1.5 इसलिए है तो उसको मिसयूज किया जाए। वो उसके घर में 1.5 पे रेड कर रहा है, ये इसके घर में कब्जा करवा रहा है 1.5 की कॉल पे। वो लड़का 376 511 हो रहा है 1.5 की कॉल पे। कितियां करा रहे हो, नामजद करा रहे हो, सीरीज चल 1.5 बढ़ गई। 302 है, तुम्हें किसके साथ होना चाहिए? मुदई के साथ। मुदई के साथ हो, मुदई बैठा रो रहा है यहाँ पे। मुदई को आप मजबूर कर रहे हैं, आप नक्शा मौका चेंज कर रहे हैं। सर नहीं किया नक्शा, तो फिर दूसरा नक्शा क्यों बनाया? सर नहीं बना, वही पहले ऐसा जो नहीं बनाया ऐसे दूसरा पहला बना हुआ सर, पहला बना। दूसरा क्यों बनाया? नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। दोबारा कह लो जी सर, नहीं बनाया। गिरफ्तार कर ले इसको, गिरफ्तार कर ले। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं यार, इसको छोड़ दो। रात को मुझे ये बताओ, ये पहला नक्शा मौका कैसे बनाया या नहीं बनाया? ये राइटर तो सेम है, तो फिर किसने बनाया? फिर कैसे आप मुझे भी झूठा कर रहे हैं, उसको भी झूठा कर रहे हैं? तुम्हें शर्म है या कोई लड़ाई झगड़ा है एक या नहीं है? और ये कह रहा है पता नहीं कहां से आ गया। मेरिट होगा, ये मेरिट होगा। आप मुझे बताओ, दिखाओ इसको दोनों तहरीरें, किसकी तहरीरें हैं बताओ इसको, दिखाओ किधर निकाले ऐसा चुपको दिखाई ये तहरीरें, ये दो एक राइटिंग है या नहीं है? सेम ही है। तो फिर आप सच बोले ना जी सर, सेम। फिर उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? फिर वो क्यों झूठ बोल रहा है और क्यों इसको झूठा कर रहा है? मेला फाइट नहीं है तो और क्या? यहाँ पे उसको आपने दरस के लिए बुलाया था, 3 दिन क्या कर रहा था यहाँ पे? बताए ना, आपका कंट्रोल थाने पे क्यों नहीं है? टोटल अमला चेंज मॉरर, सारा फ्रेश ये आपको नहीं पता हमने क्या करना है, मुझे पता है। अगर आप स्मगलिंग रोक दोगे ना, स्मगलिंग रोक लो, स्मगलर हो ना, स्मगलिंग नहीं करते। यार आधी को छोड़ो, आप अपनी बात करो, मैं डीजल की बात ही नहीं अभी यहाँ पे कर रहा। कंप्लीट मैं इधर कमला चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना है, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? ये ना ये भेड़ बकरियां हैं, ना इनका कोई, ये कि जिसको मर्जी ला के 4 दिन बंद कर लो, 3 दिन बंद कर लो। आप सर हर माह खुली कचहरी यहाँ लगे, जरूरत नहीं इंशाल्लाह, दोबारा पड़ेगी नहीं जरूरत, बिल्कुल ना। मोरर नाइब मोरर तफ्तीशी सारे SHO यहीं रहेगा, SHO इस थाने को ठीक करके देगा मुझे। ये आप इसमें नए अमले के साथ बिल्कुल 100% कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, कोई गलत बंदा नहीं गिरफ्तार होना चाहिए, कोई कंप्लेनेंट आएगा उसको फौरन ईटैग इशू होगा और 24 घंटे 48 घंटे में उसका मामला हल होगा। शोकास टू SHO जी सर, हमारे को कहते हैं 2 कनाले हमारे को दे दो, फिर अपनी जमीन कर ले। आज इस पे वेरीफाई करके कब्जे का पर्चा देके दूसरी पार्टी को उठाना, अगर इसकी यही स्टेटमेंट है, अगर उल्ट है तो मुझे वो रात को बताए। और SHO को शोकास दे के 2 महीने से अगर ये आ जा रहा है तो क्यों नहीं इसका यस नो किया अभी? हाँ वो जो है, मैंने आपका नंबर भी लिया है, मैंने कॉल भी आपको, मैंने वो तंग आप ही कर रहे हो मुझे है ना। हाँ तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना, मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा, जल्दी आऊंगा, आज रात तक फैसला होगा, ठीक है ना। कल अगर FIR नहीं होती और वो उनको मसला होता है, मेरे पास दफ्तर आ जाए, ठीक है, देख लें। मुनीर हुसैन मेरे को ले लें यार किराया, 500 का पेट्रोल पाओ जी वापसी, ठीक है ना, चलो। मुनीर हुसैन वो ग्रास ऊपर होगा तो आप मेरा गिरफान पकड़े, कितनी है आपकी आवाम की, आवाम ने मुझे पूछना है, वारदात बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, आप मेरे से पूछें,
मैं जवाब दूं, मैंने जवाब देना है। मैंने ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही मिला हुआ है। डकैती स्नैचिंग रुक गई, अब मुंशियात पे चढ़ जाते हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। ठीक है जी। हाँ जी एसएचओ साहब, मुंशियात कब खत्म हो रही है? कौन सा इस एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी? कोई डीलर कोई बेचने वाला इधर मौजूद होगा? ठीक है जी, अगली खुली कचहरी में इंशाल्लाह। और एक मैं कहने का, छोटे बेचारी 10 साल है, खुदा की कसम से मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको बिहारी भेजा है। अच्छा, सब्जी मंडी उधर थी? हां सब्जी मंडी। तो नहीं सर, नहीं मैं महल्ले में चल रही हुआ सर, 6 महीने ठेका कर रहे थे, छह महीने का मैं बकरी बनाना के 60 साल की उम्र है, मक्की देवे मैं जिथा गया मैं दे दिया जाता है, दफ्तर गया सर मैं। उनको बच्चा पढ़ रहे हैं, हॉस्टल है कोई? जी हॉस्टल एक दानिश। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, बच्चे ने क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी जिंदगी बच जाए। वेरी गुड। मैंने खुद अपने जिसम पे कुछ नहीं लगाया। बेटियों ने क्या किया है? हाँ दो बेटी एम एस सी है सर। तो वो क्या जॉब कर रही है? क्या जॉब कर रही है? 5000 प्राइवेट स्कूल में लेकर यहाँ तो कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट के है नहीं जॉब, हम कहाँ जाए किधर जाए? अभी आजकल कैसे सिलसिला चला रहे हो? सिलसिला सर क्या चला रहा हूँ, मैं रेंट पे फिर रख लिया, उसको मैं 30 रुपए झाड़ी देता हूँ, मैं स्कूल टाइम उठाता हूँ, सब पुलिस वालों को थाने वालों को पता है। तफ्तीशी अफसर कौन है जी इनका? सर मैं क्या पर्चा हुआ है सर, ये FIR मेरे पास में पर्चा हुआ है। हाँ पर्चा तो हुआ है सर, पर्चे को मैं सराहने पे रख के सोता हूँ। नहीं सराहने पे नहीं रखना, मैं क्या करूँ? अब मैं ये सराहने के नीचे रखूंगा। ठीक है, और 3 दिन में आपको रिक्शा मिलेगा, आधा तफ्तीशी से करेगा आधा मैं करूंगा। आप अपना रिक्शा सिलेक्ट करें, अपना रिक्शा ढूंढो, जिथू लेना है नवा, जिथू लेना है या दुकान तो लेना है वो दस के SHO में दसो, SHO मुझे रब्ता करें, मैं पैसे भेजूंगा इनको। कमरे से खलोते हैं उसे टिकेतियां करा रहे हो, नामजद करा रहे हो, सीरीज चल 1-5 बढ़ गई। वन फाइव इसलिए है कि उसको मिसयूज किया जाए, वो उसके घर में 1-5 पे रेड कर रहा है, ये इसके घर में कब्जा करवा रहा है 1-5 की कॉल पे, वो 376-511 हो रहा है 1-5 की कॉल पे। रियाज साहब सर मौके पे, ये खुदाबर से मौके पर खड़ा है, फिर ये उनके साथ खड़े कब्जा के लिए, फिर हमारे दो बंदे अपने डाले में लेके थाने आ गया है, उनको हवालात में बंद कर दिया है। इसको बुला लें जी, अपना ऑर्गेनाइज क्राइम DSP फारूक को कहीं इधर पहुंच जाए शाम, अभी पहुंच के इन तीनों केसेस पे मुझे रात तक इंक्वायरी करना। कॉलेज रोड पे छुट्टी के टाइम जो है ना थोड़ा नफरी होनी चाहिए, वहाँ रास्ता बंद हो जाता है, ट्रैफिक का मसला होता है, तो बच्चियों को ज्यादा मुश्किल होती है सर जी, खासकर कलमा चौक पर काफी रश हो जाता है सर ये फ्रेंडली। हाँ जी, ट्रैफिक का क्या करेंगे तोन साहब बताएं? सर ट्रैफिक की नफरी कम है। कितनी है? एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल, बस। और एक शिफ्ट में 3 बंदे होते हैं, 3 और चौथा जो है वो ठीक है। आज ही हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। अब अगले विजिट में मैं आऊंगा ना तो मुझे आप लोग बता रहे होंगे सर ट्रैफिक ने तो यहाँ पे कमाल कर दिया है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गड़बड़ शुरू हो जाए। खुली कचहरी से उम्मीद है कि कुछ तब्दीली आएगी। बिल्कुल, जो है वो आपका एक हफ्ते में ट्रैफिक का निजाम यहाँ पे मैक्सिमम हम बेहतर करेंगे। आप लोगों के दफ्तर ऐसे होने चाहिए जिस तरह जो है ना आप अपने घर का ड्राइंग रूम तैयार करते हैं। ठीक है, दफ्तर आप किस तरह होने चाहिए जहाँ पे लाइसेंस वगैरह के लिए जो लोग आते हैं, अभी हम जाते हुए मैं विजिट भी करूंगा। ठीक है, और ट्रैफिक को हम बेहतर करते हैं। कार और कितने गाड़ियां किधर चले गए? मोबाइल नंबर क्या है उनके? दिखाओ मोबाइल नंबर कहाँ लिखे हैं? मोबाइल डाटा भिजवाया आपने? भिजवाया हुआ डाटा, मोबाइल डाटा पहले दिन भिजवाया आपने उन मोबाइल जब मुलजम भागे थे? क्यों? ये मेरी एक मिनट सर, क्यों वजह? क्या ये बकरी चोरी हुई है? एक मिनट यार मुझे बात करने दो, बताओ ना बकरी चोरी हुई है? तुमने क्या तफ्तीश की है इसमें? अभी तक सही कह रहे वो हार्ट का पेशेंट था इसलिए वो चला गया। जीने का कोई मकसद यार, बात तो मुझे करने दो तुम।
पहला बॉर्डर था वो तो उसमें पांच मोबाइल नंबर आई या नहीं घर देने में क्या देर लगती है? आप क्या फिर तफ्तीश किया? कितने बंदे इसमें क्लोज किए हैं कि वो बताओ कि वो किधर है? बताओ ना, आप मर्डर को इस तरह डील करते हो? ऐसे जो साहब सर और रेड शटर ना, मैं गल पूछ रहा हूँ कि उदे मोबाइल नंबर कितने, टेक्निकली क्या किया इसने? अगर तुमने उसी वक्त आईटी में बताया होता कि ये दो नंबर हैं, इनकी लोकेशन ले दो मुझे, अगले दिन चेक कर लेते कहीं नंबर ऑन हुआ है नहीं हुआ है। क्यों बताओ ना वजह। ये अगर सेवन डेज में आपने इसकी बुरी और ये खत्म ना की, छड़ दे बुरी बुरी फड़ो, ठीक है ना, खड़े और दूसरे पर चले। ये 302 है, मजाक तो नहीं है ना, अगर तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है ये। ये हमारे साथ सर आदम हुआ और कोई बात भी नहीं थी, उनको मना किया वो गालियां दे रहे थे। जुर्म हमारा ये है नहीं, वाले साहब मैं एक बेटा हूँ वाले साहब का, ये मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है शादी है सामने सर, तो रहम करे आदम, गिरफ्तार क्यों नहीं किए थे ये सर? ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, यकीन करे बात तो आपको नहीं मिले, वो अदालतों में पहुँच गए सर। उनकी जमीन तो नहीं खा गए सर, इनका बेसिकली तौर पे गली में लड़ाई हुई है दो लड़कों के साथ, उसने दूसरे लड़के ने बुला लिया इसको मारने के लिए। ये जब घर से बाहर निकला इसके वाले से हार्ट पेशेंट, तो जो इनको देखा कि लड़ाई हो रही है वो वहीं पे गिरे, उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको गुस्से मारे हैं सर। हमने 302 दिया था उनको, बुजुर्ग को बेहिस मारा है उन लोगों ने सारे। स्टेटमेंट देख के जी सर, बेटा बेटा और कौन है हमारे बेटे को उठा के बाहर निकाले, उसको उधर नहीं बैठने देना, इसको बैठा, ठीक है ना, चाहे उसके नाम हो कागजात जो भी हो। जिस बेटे का ये हाल है तो अभी तक आपने बंद भी करो, पर्चा भी दो, यार कुछ काम खुद कर लिया करो, जी औलाद ने जो कुछ करना है। अज रात तुम अपने घर हो गए, अम्मा से पूछो इसके दोनों सगे बेटे हैं, वो सगे बेटे कितने ने, वो बेटे आए ने? ऐसे जो साहब दोनों बेटे अरेस्ट करे रेतला थाने में, उसको बताए जमीन नहीं देखने की जरूरत किसकी है किसकी नहीं है, बेटे यूं कर रहे हैं ना माँ के साथ, अरेस्ट करें उनको, जरा फिट किस्म के पर्चे में फ्री करें, ठीक है ना, ये उसको बता दो। अच्छी हो गई ये फिर कहाँ से इसने गलत बना लिया, इसे खुद बना लिया, खुद बना लिया हमारे पास जो है बिल्कुल ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? हमारे पास मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आया? आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया आपने। सर ये पटवारी को भेजा था खुदा भर से, मैंने उससे लिया, रेटिंग की आप चेक कर लें। पटवारी से लिया ये आपने? ये बाद में इसने नंबर डाल दिया, पटवारी को भेजा था आपने? ये नहीं भेजा था, हमने नहीं भेजा, हमारे पास ये है। पटवारी के पास ये वाला है, ये पहले वो था उससे आपने फोटो कॉपी ली? हाँ जी, ये झूठ बोल रहे सर, ये कोई चीज रख के मिस प्रिंट करवाया सर शिकायत करने के लिए। वजह रख के मिस प्रिंट कराने की, कैसे मुझे तरीका बता दो, एक फोटो स्टेट करानी है उसमें चार नंबर निकल जाए और बाकी सारा कुछ आ जाए, मुझे भी वो तरीका बता दो, अगर ये शिकायत ही लगा रहे हैं। कितने चार नंबर, किधर है चार नंबर? इधर से ये सब जगह मेंशन है, एक जगह से चार नंबर गायब हो गए, कोई जादू है, कोई साइंस है, ये भी सामने पड़ा सर, ये हमारी
किसने लिखा था ये नक्शा मौका पेज पे अभी जरा बना दे मुझे ये थोड़ा सा इसी राइटिंग बना दे पीछे बनाए ठीक है और ये आपने खुद बनाया था सेकंड शो का दें इसको ठीक है 302 में आप ये करेंगे उधर आप हमारे उस्ताद हो तो उधर आके मिलो ना हमें ठीक है ना तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा तो हमारे सामान का सिफारिश हो गया सिफारिश क्या आप हुक्म करें इंचार्ज हॉस्टल थे तो आप तो बड़ा तंग करते थे मुझे आपको मैंने कभी तंग नहीं किया आज मैं खुद तंग होकर आपके पास अच्छा चलिए बताएं बताएं उधर ट्रेनिंग में आप हमें वहाँ पे बाहर निकलने नहीं देते थे 10 बजे से शिकायतें लगा देते थे भाग गया FIR भी करें और इनका जो है ना वो रिकवरी हो जाएगी हो रहे हैं कुछ को नहीं टैग लग रहा नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए जो भी आवाम या जो कोई एप्लीकेंट थाने में आता है जिसको ई टैग नहीं मिलता यहाँ से टोकन नहीं मिलता आप मुझे रब्ता करें ठीक है मेरे दफ्तर रब्ता करें मुझे बताएं ठीक है जी बीबी आप क्यों वो हमने ले लिया FIR कर दिए और उसमें हम कर लेते हैं ठीक है ना तो आपने हाँ, पहला मकसद ये है कि आपके ई टैग लगना चाहिए आज के बाद अगर ई टैग नहीं लगता है आपने मुझे बताना है ठीक है मोटरसाइकिल चोरी इज अ जेन्युइन इशू इस पे हम मजीद भी वर्किंग करेंगे और ये जो हमारे पास 28 कहाँ पे पढ़ रहे हो आप गोमा यूनिवर्सिटी डी आई कितनी फीस है 45,150 एक सेमेस्टर की पिछले सेमेस्टर की मिल गई थी वही पिछला सेमेस्टर अभी नए सेमेस्टर की फीस आने वाली अभी पिछले की भी नहीं मिली है सर अच्छा आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर लिखवा दें अभी शाम तक आपकी फीस जमा हो जाएगी छोड़ो माफ को हम देंगे ना फीस क्यों माफ कर अभी मिलेगी सर तो अभी जनवरी में दूसरा सेमेस्टर शुरू हो दूसरे की भी दे देंगे आप हमारे शहीद के प्लाट का भी प्लाट का मैं लगा हूँ इंशाल्लाह प्लाट भी मिलेगा उसका थोड़े से दिन लग जाएंगे एक वो आपकी शहीद 2017 हम आपके कितने बहन भाई वालदा कहाँ पे इधर ही है चाचा वगैरह है आपने प्लॉट का हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ठीक है अभी आज आपको जो है वो शाम तक हम इस सेमेस्टर की फीस दे देंगे और जो जनवरी वाली है वो भी दे देंगे ठीक है 90,000 बनती है 2,000 पहले मैंने लगाया था जो अप्लाई किया था ना 2,000 एक लाख दे दूं तो चल जाएगा भाई की भी है सर जी भाई के कागज भी जमा कराए थे अकेडमी में दे रहे थे नहीं मैं कहाँ पे कहाँ पे उधर अपने गाँव में अकेडमी है वो तो थोड़ी होगी ना 2500 महीने के सर बहुत से चले 90,000 वो हो गया दो और भाई के 4 महीने की चार जमा की थी मैंने तो 1,00,000 रुपया आपको मैं आज देता हूँ ठीक ठीक है सारा ने स्कूल मेरे घर वाला भी दिले हम साई कुटाने घर के बीचो मेरी गां चाग दिने 4,00,000 दे मैं 1.5 लाख लिखवा मगर गरीब बादे हूं कने मैं के खादी पीती कितने लिखा है पर्चा होया तोड़ा जी ये लिखा ई के कागज है ब्लॉक के तू सुन असा गए हैं खादम सादा खर्चा कते असा दरखास्त भर में ये मालूम दे जो ये बंदे चाची का बोले पे ए दरखास्त खारिज करो तू साखो जर दरखास्त लिख दे वो कूड़ी दरखास्त में लिख दी थी ने ये दरखास्त सही है साली असर नहीं सी की पार सकी सी भला असा भर गए ओ दरखास्त जो असा फरमाई है ये के सी सही है नकली दरखास्त पसंद की थी सी नकली पसंद कर कने उने को 5 दिन ढके सी जीवे जे मेरा घर वाला मजदूरी ते असा भी 7,000 दीते उने पैसा ज्यादा चली ते दरखास्त को पार सके सी छुआर घर छटकने वाला है ओले पाए पहले सड़क कुंदान को चेसी मैं छटकने वाला है के खन्नो थई है तुसी किनु पैसे देते से असा पैसे ये खादम खान को लेते 7,000 दीते से सारी गाल सुन ई तरी रिश्वत चल दिया तू असन इते साली उने पैसा ज्यादा खादम किधर है जी खाजा गई फरमाई तानु कल तक अगर गांव मिल जाए जी या तैले मैं बच्चे को दुआई करे तो फिर पंजाब पुलिस वास्ते दुआ करोगे जी मैं दुआ करे से हमार रोली बैठे रात दे मेरा घर वाला मजदूर है मैं बन्ने बाइनल सारा ने पराई मजदूरी करनी है कल आपको गाय मिल जाएगी हां नहीं
ठीक है तेरे बच्चे जाके भलाई भी महंगे सारे फिरते खड़े हैं लिख देता है जी मेरी कल रिज़्क वाला दे में मिलेगा कल तक मिलेगी जी तेरे बच्चे को दवाई करा सा ये फोन का नंबर है शनासी काज का मेरा घर दे अपना मनु फोन नंबर दे ए तोडा नंबर है जी या अच्छा मैं कल तुहानू दोपहर नु फोन करांगा अच्छा तेरी मेहरबानी ठीक है मेरी गल सुनो ना मैं कल दोपहर नु फोन करांगा मैं पूछांगा कि तुहानू गां मिल गई है कि नहीं मिली जी या या उदे पैसे मिल गए नहीं या नहीं जी या इत्ता सा कुछ थाना नहीं है मरी नहीं तुसी थाना नहीं जाना अच्छा ठीक है ए मोबाइल किदे कोल है मोबाइल मने घर वाले कने है ते एक मले तोडा पुत्र पुत्र दा मोबाइल नंबर केड़ा है ई जे नंबर ई जे ए पुत्र दा मैं को ही पता का नहीं मैं अनपढ़ ए मोबाइल नंबर नु है दा खुल जाए ना आवाज से मेरा ऑपरेटर को मैं तो ये बच्चे को दवाई करे सा मेरा जैन कौन से गप्पे लगा रहा है उधर जैन साहब तुसी मनु दस दियो मैं आ जाना उठे तोड़े को बैठ जाना को तेरे लदा काम चल रहे हैं ये नंबर लो ये इनका मैं कोई के नहीं निकल मना क्या करे मां जी कल तुम्हें मिल जाएगी अल्लाह यार तूने कहा यार है तू मेरा तो इसका अब हमें कुछ करना पड़ेगा मैं गरीब हूँ यार डाठा गरीब तेरा जनावर गरीब अल्लाह के बहुत गरीब होता है डीएसपी साहब जरा यार मेरे को खुशी आपने जो है ना वो करना है और वेरीफाई करें कि अगर इस तरह की गेम हुई है फिर वो फर्दी फ्रेश एफआईआर करनी है या मुझे बंदा देगा तब मैं छोड़ूंगा या मैं इसकी गिरफ्तारी डालने लगा हूँ क्या ये भेड़ बकरी है आवाम जिसके घर में घुस जाओ जिस तरह जो मर्जी कर लो बताए ना बंदे ने फ्लैश तो लगाया था लगाया ना गलती से लगाया ना आपस में वो बैठे हुए थे कोई उन्हें दुश्मनी नहीं थी वो उसके चचा को बुलाते आप उसको दो दिन दे देते तीन दिन दे देते ये मुझे पेश करें सर हम तीन चार पांच दफा इनको बुलाए तो बुलाया तो फिर पकड़ के ला के फिर किसी के कहने पर क्यों छोड़ दिया फिर वो पुलिस चला ले जो यहाँ पे बाकी निजाम चला रहे हैं आपने उसको जो भी है इजाज है जो भी है उसको क्यों नहीं कहा मुझे बंदा दो बंदा पेश कर उसने बोला ना उसको कहें डाकू की पकड़ ले सस्पेंड करें जिसको इंक्वायरी मार्क करें इसने जो है वो पैसे लेके छोड़ा वो बंदा ऐसे ही ले गया तो फिर बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है कि अब पुलिस एक पूरा प्लान करके रेड कर रही है और एक घर में घुस रही है लेडी पुलिस साथ थी आपके लेडी पुलिस थी लेडी पुलिस थी इसमें इस रेड में लेडी पुलिस थी तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप मेरे से जी सर ले जाते हैं क्लोज टू लाइन सस्पेंड अगली कार्रवाई करते हैं देख लेते हैं ये असगर साहब असगर ये कितने अरसे से इसकी पोस्टिंग यहाँ पे ये पोस्टिंग चार्ट इसका मंगवाओ जल्दी चलो ये बिल जो है ना वो बिल पे करते हैं ठीक है ये बिल हम पे करते हैं और बाकी उसको वो अपनी मजदूरी करे रोजी करे तो बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह ठीक है इसका ठीक ठीक ये 11,000 का बिल है आप ये कल पेड शुदा के हमारे दफ्तर से उठा लें ये आपका जो बिल है ये कल पे हो जाएगा कल आप हमसे आगे बिल पेड शुदा उठा लें दफ्तर कोर्ट छोटा डी एस पी कोर्ट बेटे को भेज देना उनसे वो जी आप डी एस पी साहब को मिल जाए जी जी इंशाल्लाह आप आपसे होंगे जी जी डी एस दफ्तर अच्छा मैं उनकी फोटो कापी लेके आऊँ बिल जमा करा के ना आपको रसीद दे देंगे ये 11,000 का आपका बिल है कल पे करके हम आपको दे देंगे रसीद ठीक है
मेरे को कुछ सर मैं कोई इन चीज मैं मजदूर बनगा बैठ जाओ हाथ छोड़ो जी हाथ छोड़ो ठीक है ये ना ये तुम्हारा रिक्शा न होने की वजह से कर्ज चढ़े बीमार इसी कितना कितना दिन हो गया रिक्शा नहीं चलाया 15 दिन हो गए 15 दिन हो गए ठीक है ये तो कर्जा तो उतारो ना जाके ये पकड़ो जाके ठीक है अहमद मोहिउद्दीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान हूं। मैं आपको जल्दी से इस साल के जो पुलिस की कारकर्दगी है उसके बारे में एक जनरल ब्रीफ दूंगा। इस साल हमने तकरीबन 13,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं जिसमें से 12,000 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया है। हमने इस साल तकरीबन 52 छोटे बड़े मुख्तलिफ गैंग्स पकड़े हैं। 77 तोला तलाई जेवरात 6 कारें 309 मोटरसाइकिल 861 मोबाइल फोन्स और 53 अदद मवेशी जो है वो हमने बरामद की हैं। नाजायज असला की मद में 126 क्लाशन को 70 राइफल मुंशियात रिकवरी में तकरीबन 743 किलो चर्स इसके अलावा हमने शादन लुंड और कोट छुटाक में खिदमत मरकज का क्याम किया है और इसके अलावा हमने पुलिस ड्राइविंग स्कूल का क्याम अमल में लाए हैं।